पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन वार्ड के निगम पार्षद अपर्णा गोयल ने इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज के साथ मिलकर पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन इलाके स्थित आईपीएक्स भवन में हिंदू नववर्ष का स्वागत धूमधाम से किया। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्वी दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, दिल्ली बीजेपी महासचिव हर्ष मल्होत्रा के अलावा स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता आईपी एक्सटेंशन वार्ड के निगम पार्षद अपर्णा गोयल ने की। अपर्णा गोयल ने देशवासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज के दौर में लोग पश्चिमी देशों की तरह अंग्रेजी नववर्ष को तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हिंदू नववर्ष को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में आने वाली पीढ़ियों में अपनी संस्कृति का महत्व बताने के उद्देश्य से हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर आज के मौके पर कई कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या कुछ कार्यक्रम है आज? देखिए, आज हमने हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर जिस तरीके से सारे हिंदुस्तानी 31 दिसंबर जोश और उल्लास के साथ मनाते हैं, तो हमने ये सोचा, हमेशा से दिल में कसक रहती थी कि हिंदू नववर्ष पर कब ऐसा कार्यक्रम कर पाएंगे, तो ये हमने सोच रखी और इस सोच को मूर्त रूप देने के लिए इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज हमारे साथ जुड़े और आज आप देख रहे हैं कि कितने उल्लास के साथ उत्सव का माहौल यहाँ पर क्रिएट किया गया है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ अपने सभी इस चैनल को देखने वाले दर्शकों को, क्षेत्रवासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि ये विक्रमी संवत हमारे जीवन में खुशियाँ लेके आए, सौहार्द लेके आए, प्यार लेकर आए और हम सब लोगों को प्रगतिशील बनाए। इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज के पदाधिकारी ने बताया कि भारतीय नववर्ष क्या है, इसे क्यों मनाते हैं, इसकी महत्वता क्या है, इसे बताने के लिए हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें भारी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस बार इस प्रकार से कोई कार्यक्रम मनाएं, कोई उत्सव मनाएं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को ये पता लगे कि भारतीय नववर्ष क्या है और उसकी महत्ता क्या है और उसे क्यों मनाया जाना चाहिए। उसी उस संदर्भ में लेते हुए इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज ने इस कार्यक्रम को रखा, जिसमें बहन अपर्णा गोयल जी ने हमारा बहुत सहयोग किया और हमारे सभी मित्र जो हमारे इंद्रप्रस्थ विस्तार क्षेत्र के आसपास के सभी लोगों के हैं, सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज आप देख रहे हैं कितना उत्सव का माहौल है, कितने आनंदमय तरीके से बड़े हो, बच्चे हो, बूढ़े हों, सभी इसमें एकत्रित होकर के बड़ा आनंद मना रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि हम ये संदेश देने में कामयाब हुए कि ये हमारा भारतीय नववर्ष है जिसको हमें मनाना चाहिए। बहुत